प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम आज जालौन में देखने को मिली, जिसमें अत्यधिक पुराने पीपल के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उसे सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। जालौन नगर में स्थित करीब 120 साल पुराने पीपल के वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा नगर अध्यक्ष तथा प्रमुख समाज सेवी महेंद्र पाटकार पहुंचे थे। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि समूचे उत्तर प्रदेश में 947 शतायु उम्र के वृक्षों को चिन्हित कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है और आज जालौन नगर क्षेत्र में स्थित सबसे पुराने पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने के बाद लोगों से अपील की गई कि वृक्ष धरा की शोभा है, इन्हें काटिए मत, संरक्षित कीजिए, पर्यावरण बचाने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। माता जो है कि ये इतना पुराना पीपल का वृक्ष है जो धार्मिक की दृष्टि से भी है और इन पेड़ों को कभी भी संरक्षित रखना है, क्योंकि लोग होते हैं कि पेड़ काट लिए जाते हैं, तो हम लोगों को इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि ये पेड़ काटे ना जाएं और इनको हमेशा के लिए संरक्षित रखा जाए। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय अभय जी, हमारे संरक्षक भाई साहब और नरसिंह जी हमारे अधिकारी मौजूद हैं और मैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और उनको संरक्षण का कार्य बेहतर ढंग से किया जाए, ये मेरा नगरवासियों को संदेश। असल ये हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 947 वृक्षों को जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो हमारे पीपल, बरगद, पाकड़ जो धार्मिक महत्व की श्रेणी में आते हैं, इनको चिन्हित किया है विरासत वृक्षों के रूप में। उनमें से एक वृक्ष ये पीपल का जालौन में चिन्हित किया गया है। अच्छा। और आज के दिन ये कार्यक्रम 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच ये कार्यक्रम रखा गया था कि इन चिन्हित वृक्षों को या जो हम लोग रोपण कर रहे हैं उन वृक्षों को लोगों को उस वृक्षों के प्रति जागरूक रखने और उनका संरक्षण करने के लिए इनको एक रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम रखा गया। उसी कड़ी में आज चेयरमैन साहब के द्वारा इसका रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम कराया गया है और आगे इसके बारे में लोगों को जागरूकता समय समय पर दी जा रही है कि ये हमारे विरासत वृक्ष की श्रेणी में आ गया तो इसका संरक्षण में योगदान। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.